दोस्तों इस बिग बिलियन डे के मौके पर काफ़ी सारे न्यू फोन हमें देखने को मिले हैं। आप सबने रिक्वेस्ट की कि मैं आपको दिखाऊं सबसे सस्ता कर्व डिस्प्ले वाला फ़ोन, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं। पैकिंग इसकी मुझे बहुत ही प्रीमियम लगी थी। देखो हाथ पे लेते ही लगता है यार कोई हम प्रीमियम फ़ोन अनबॉक्स करने वाले हैं। ये बॉक्स मिलता है आपको, इसका यहाँ पर मैंशन है 2 ईयर का अपडेट आपको मिलेगा और यह है S23 Plus 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन, जहाँ पर इसके बेस मॉडल में आपको मिल जाएगी 256 GB की स्टोरेज 8 GB रैम के साथ। यहाँ 16 GB है जो कि वर्चुअल रैम के साथ ऑप्शन ये आपको मिल जाता है। आईटेल का ये स्मार्टफोन है। जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं, बॉक्स ओपन करते ही 3 यहाँ पर सेक्शन बने हुए हैं। इसको अगर हम देखते हैं, इसमें सेमी कंडक्टर पिन है और एक चार्जर है, साथ में ये USB केबल आपको दे रखी है और ये एक साथ में एक और बॉक्स मिल रहा है। इसको देखते हैं तो इसके अंदर बैक कवर आपको मिल जाएगा, साथ में इसके नीचे ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको दे रखी है। फ्री 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है और नीचे हमें मिलता है ये हमारा स्मार्टफोन। इसको अगर हम देखते हैं ना, तो देखो यार हाथ में जैसे ही मैंने इसको लिया ना, बहुत ही प्रीमियम फील हुआ ये फ़ोन। इस फ़ोन की जो सबसे बड़ी USP है ना, वो यही है कि ये फ़ोन प्रीमियम फील आपको करवाएगा सस्ते में। और यहाँ पर 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले दे रखी है, ये आप देख सकते हैं कर्व काफ़ी अच्छा है। हाथ लेते ही फ़ोन प्रीमियम फील हो रहा है, एक्चुअल में आपको फील होगा कि आप कोई 20,000 से ऊपर का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इस फ़ोन की प्राइसिंग है 14,000, लेकिन इस बार जो अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल है, आप इस फ़ोन को 12,500-13,000 के बीच में बाय कर पाएंगे, जो कि मुझे इसका बहुत ही अच्छा प्राइस लगा इसके डिज़ाइन और इन एंड फील को देखते हुए। क्योंकि जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना, वो भी काफ़ी अच्छी है। 6.7 इंच का एमोलेड पैनल इसमें है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कॉन्टेंट देखेंगे आपको मज़ा आएगा। बेजल्स बहुत ही कम दे रखे हैं इसमें और ये एक पंच होल डिस्प्ले है, कहीं से भी ये बजट फ़ोन नहीं लग रहा, ये बड़ा एडवांटेज लगा मुझे। तो कलर रिप्रोडक्शन जो है इसका, वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ब्राइट है इस फ़ोन का डिस्प्ले। आउटर में भी आप यूज़ करेंगे तब भी आप सब कुछ आराम से देख पाएंगे। HDR वीडियो मैंने देखा यहाँ पर 720p तक की जाती है, लेकिन जो नॉर्मल वीडियोज़ हैं वो आप 1080p तक देख सकते हैं। बाकी डिस्प्ले प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, तो इस फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन लगा रखी है और बैक पे पॉलीकार्बोनेट है। यहाँ पर मैट फिनिशिंग दे रखी है इस पर और हाथ में लेकर बैक भी प्रीमियम फील होती है, सॉलिड है। ऐसे नहीं है कोई फ्लैक्स आ रहा है या बैक दब रही है, ऐसी दिक्कत मैंने यहाँ पर नहीं देखी है। और कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर इस तरह के दे रखे हैं, ऐसे लगेगा आपको दूर से देखकर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन ये एक फ्लैश है और ड्यूल कैमरा है इस फोन में। प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 50 MP का और फ्रंट कैमरा यहाँ पर है 32 MP का। आगे आपको मैं सैंपल इसके दिखाता हूँ, पहले हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो इस फोन में डाला गया है यूनी SoC T616 प्रोसेसर, में जो USB दे रखी है वो है इसका कर्व एमोलेड डिस्प्ले, जो कि जनरली हमें कम रेट में देखने को नहीं मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस यहाँ पर ठीक है, कैजुअल यूज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉर्मल जो टास्क होते हैं, व्हाट्सएप देखना हो, यूट्यूब चलाना हो, वो काम यहाँ पर आराम से हो जाएगा। अब इसके बारे में मैं यही कहूँगा, आईटेल S23 Plus एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिनको कैजुअल गेमिंग करनी है और एक डे टू डे यूज़ के लिए फ़ोन, जिसको स्वैग वाला फ़ोन चाहिए कम प्राइस पे, उसको यहाँ पर मज़ा आएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर ही है, टैप करते ही अनलॉक हो जाएगा, ये फास्ट है, स्टेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि ठीक है, आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर मिल जाता है। 18 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बाकी UFS 2.0 स्टोरेज है, स्टोरेज भी ठीक है, टच भी इसका फास्ट है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ हाई रिफ्रेश इस फ़ोन में नहीं है, यहाँ पर है नॉर्मल 60Hz का रिफ्रेश रेट। जो स्मूथनेस है जैसे चल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपको मिलता है इस पर यूज़र इंटरफेस। और आपको इसमें 2 साल का अपडेट मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं सेटिंग में जाकर, तो एंड्रॉयड 13 पे ये फोन चल रहा है, आईटेल बेस्ड यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 13 पर। UI यहाँ पर आईटेल का खुद का है। कस्टमाइजेशन के जो मेन ऑप्शन रहते हैं सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और ये कुछ ऐप्स हैं जो आपको इसमें इनबिल्ट दे रखी हैं, जो आपको अनइंस्टॉल करना हो वो आप यहाँ से आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ ज्यादा फालतू ऐप्स तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखी हैं, लेकिन जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखती हैं वो आप हटा देना। बाकी ऐप ओपन करता हूँ मैं, क्लोज करता हूँ, वो चीज़ फास्ट है, ये आप देखो, टैप करते ही रिस्पॉन्स मिल जाता है, गजब, ये बढ़िया है। ये कुछ कैमरा सैंपल्स भी हैं इसमें, मैं आपको अब कैमरा ही दिखा देता हूँ, ये आप सैंपल देखो। मुझे यहाँ पर बस ये लगा है कि डिटेल तो ठीक है और डायनेमिक रेंज को भी ये बहुत बार सही कैप्चर कर लेता है, बट जब ज़्यादा सनलाइट होती है या ज़्यादा डिफिकल्ट लाइटनिंग होती है, लाइट कंट्रोल करने में थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं। बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट है या फ्रंट पे ज़्यादा लाइट है, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। ये सैंपल दिखा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, और थोड़ा कलर टोन भी इनको हल्का सा इम्प्रूव करना पड़ेगा।
किसी किसी पिक्चर में थोड़ी येलो टोन ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये फ्रंट कैमरा का सैंपल भी आपके सामने है, डिटेल इसका फ्रंट कैमरा भी सही कैप्चर कर रहे हैं। 32 में आप इसलिए जूम आप करोगे तो अच्छी डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर मैं वीडियो स्टेबिलाईजेशन दिखाऊँ तो जी हाँ, स्टेबल वीडियो आप इससे कैप्चर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको अनेबल करते ही आपकी जो वीडियो है वो स्टेबल हो जाएगी। अब स्पीकर की जहाँ तक बात है ना, यहाँ पर एक सिंगल स्पीकर दे रखा है जो कि नीचे की साइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस के हिसाब से कोई कंप्लेन नहीं करूंगा मैं। और ये एक 4G स्मार्टफोन है। अब देखो, इस फोन को आपको दो तरह से देखना पड़ेगा। एक तो ये ऑफलाइन मार्केट में धूम मचा सकता है, इतना मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑफलाइन में 12, 13, 14 हज़ार में कोई भी ढंग के फ़ोन नहीं बिक रहे हैं। बहुत ही अजीब अजीब से स्मार्टफोन्स हैं, उनके सामने ये फ़ोन अच्छे से स्टैंड करेगा, क्योंकि ऑफलाइन में लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पर लुक्स भी है, 256 GB की स्टोरेज भी है, कर्व एमोलेड डिस्प्ले भी है, ये इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं। भाई ऑनलाइन में तो और ऑप्शन मिल जाते, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। उस हिसाब से मुझे ये फ़ोन प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगा ऑफलाइन को देखते हुए। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, हेल्प मिली है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो सेल का मजा लेते रहो आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।